महाराष्ट्र में एनसीपी को लगा बड़ा झटका। एनसीपी के पूर्व विधायक अशोक टेकवाड़े आज बीजेपी में होंगे शामिल। टेकवाड़े बीते कुछ दिनों से पार्टी से चल रहे थे नाराज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कुछ संगठन राज्य को अस्थिर करने की कर रहे कोशिश। बोले, राज्य में दंगा भड़काने वालों का पर्दाफाश करेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार मुंबई आए महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई एयरपोर्ट पर कोश्यारी का जोरदार स्वागत। जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बावजूद बैलेट पेपर की मांग पर अड़ी शिवसेना। संजय राउत ने चिंता की जाहिर। बोले, केंद्र सरकार के सत्तावादी रवैये के कारण पूरे देश में स्थगित हो जाएंगे चुनाव। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, महाराष्ट्र में दंगे भड़काकर सत्ता पाने की तैयारी में है उद्धव ठाकरे। अकोला अहमदनगर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई ताजा हिंसा का उद्धव ठाकरे को बताया मास्टरमाइंड। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन एंट्री से बवाल। मंदिर के सामने भीड़ ने की हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए एसआईटी जांच के आदेश। कोर्ट ने डीआरडीओ वैज्ञानिक की बढ़ाई पुलिस कस्टडी। एटीएस की जांच में वैज्ञानिक को लेकर हुए कई खुलासे। प्रदीप के विदेशी दौरों की डिटेल खंगाल रही एजेंसी। पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी देने पर हुई थी गिरफ्तारी। पालघर में सरकारी अस्पताल जाने के लिए गर्मी में 7 किलोमीटर पैदल चली गर्भवती महिला, लू लगने से हुई मौत। पालघर जिला परिषद के अध्यक्ष प्रकाश निकम ने कहा, वो उचित स्तर पर उठाएंगे ये मुद्दा। मई से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बढ़ेगा तापमान। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने घरों को किया तबाह। आईएमडी ने हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री अनुष्का को बिना हेलमेट बाइक पर बैठना पड़ा भारी। यूजर्स ने की ट्रैफिक नियम तोड़ने की शिकायत। अब दोनों एक्टर्स पर होगी चालानी कार्रवाई।